नमस्कार। एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन मार्वल स्टूडियो में सेलिब्रेट किया जा रहा है 12th ग्लोबल जर्नलिज्म फेस्टिवल और उसका आज दूसरा दिन है। और दूसरे दिन पे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इश्क एफएम की 104.8 आरजे तृप्ति मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैम सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये आपका फर्स्ट टाइम है हमारे साथ। यस। तो मैम जैसे आप अभी आई, आपने देखा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, अभी आपने इवेंट भी अटेंड किया, तो मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा है उसके बारे में बताएं। बहुत अमेजिंग। अच्छा, ऐसे किसी भी इवेंट पर जाकर ना हम लोगों को इस वजह से और भी अच्छा लगता है, एक तो कंटेंट मिलता है हमें बात करने के लिए बहुत ज़्यादा। तो कल का इनफैक्ट बहुत शो का पार्ट हमारा जो है वो इस बारे में ही होगा, यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन लेकर जा रहे होंगे, वो उस बारे में बात करेंगे क्योंकि रेडियो इज़ ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। उसके अलावा हमारी खुद की जो लाइफ होती है ना, वो काम, काम से घर, घर से काम, और फिर वही स्टूडियो, वही सारी चीज़ें, और उससे बाहर निकल के जब यंग जनरेशन के बीच में आते हैं, उनकी चीज़ें समझते हैं, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और अपना खुद का टाइम याद आता है, तो दैट्स द फन पार्ट। ओके मैम, जैसे कि मैम आपका इवेंट चल रहा था नीचे, मैं अभी बैठी थी, वो इवेंट अटेंड कर रही थी। ओके। हुआ एक सीन आपके साथ कि आपको पहले माइक दे दिया गया, सबसे पहले माइक दे आप अनकंफर्टेबल हो गई। यस मैम, फिर इसी में मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि एक आरजे को आपने प्रोफेशन बना के पैशन बना लिया, इसके बारे में कुछ बताएं। पहली चीज तो मुझे ये कैसे क्वेश्चन आया वो नहीं समझ में आया, लेकिन आपने पहले एक आरजे को प्रोफेशन बनाया, एक जॉब तरह संभाल, उसके बाद आप उसको खुद कह रही थी कि मैं, अब ये पैशन बन चुका है मेरा, अब मैं इसके बिना मतलब अच्छा नहीं लगता है मुझे, उसके बारे में पूछ रही हूँ मैं। ओके, तो मुझे लगता है रेडियो किसी के लिए भी ना सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, वो पैशन प्लस प्रोफेशन है, अगर कोई भी रेडियो जॉकी है स्पेशली, और भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं रेडियो में, बट रेडियो जॉकिंग की जहाँ तक बात करें, फॉर मी ये पहले मेरा प्रोफेशन बना और पैशन बाद में बना, इंटरेस्टिंगली। okay. बहुत yeah. लोगों के लिए, बहुत लोग, बहुत सारे लोगों की स्टोरीज में सुन रही थी नीचे कि कितने महीनों तक, कितने सालों तक वो पहले इंटर्नशिप करते थे और उसके बाद मिलता था। लकीली, टच वुड, मेरे साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मुझे स्ट्रगल करना पड़ा इस चीज़ के लिए, और सारी चीज़ों में स्ट्रगल रहा है लेकिन रेडियो में आने के लिए मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। और जब मैं आई, मुझे पहला ऑफर मिला, पहली बार में जॉब लग गई, जहाँ के लिए पोजीशन थी वो लग गई, तो पता नहीं, हो सकता लक अच्छा चल रहा उस टाइम पे, और आज तक मैं रेडियो में हूँ, घूम फिर के रेडियो मेरी लाइफ में आ ही जा रहा है। तो भाई बस किसी तरीके से, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशन ये पहले बना और फिर उसके बाद ये पैशन बना। यहाँ पर आने के बाद होता है ना कि एक आदमी होता है, एक लवर होता है आपका, जो कई टाइम से आपके इर्द गिर्द है, उसमें कोई भी रेड फ्लैग नहीं, लेकिन आपको नहीं समझ में आता है, और फिर जब आप उसको चांस देते हो और उसको समझने लगते हो, तो आपको लगता है नहीं, यही सोलमेट है। okay. तो वो मेरे साथ रेडियो के लिए हुआ, मुझे okay. पता चला कि ये मेरा सोलमेट है। वेरी नाइस। एंड मैम माय क्वेश्चन इज कि जैसे कि आरजे बनना कोई आसान काम है नहीं, लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, चलो बोलना ही तो है, माइक आ गया सामने बोल दिया, वो है ही नहीं, उसके बारे में कुछ बताइए किन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वॉइस से लेके कैसे मतलब लोगों से इंटरेक्ट करना है विदाउट इमेज, वॉइस से सिर्फ इंटरेक्ट करना होता है, कैसे आप करती हैं? दैट्स द इजिएस्ट पार्ट, मुझे लगता है कि आपको किसी से इंटरेक्ट नहीं करना है, आपको माइक से इंटरेक्ट करना है। यू ऑलवेज इमेजिन अ पर्सन कि आप किसी एक पर्सन से बात कर रहे हैं, इट कैन बी योर बॉयफ्रेंड, इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी योर मदर, फादर, एनीवन, आप जिसको भी इमेजिन करके बात करना चाहो आप उससे बात कर सकते हो, एंड दैट इज द इजिएस्ट पार्ट। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि जिसको लगता है कि नहीं बात कर लेते हैं तो हम रेडियो पर जा सकते हैं, रेडियो इज नॉट वॉट यू टॉक, इट्स हाउ यू टॉक, एंड कितना बात कर लेते हैं वो नहीं, कितना बात नहीं करते हैं दैट इज रेडियो, क्या नहीं बोलना है दैट इज रेडियो। तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो रेडियो पर आ रही है, इतनी देर तक बात करती है और इसका तो हो जाता है। हम लोगों को अगर आप रेडियो समझते हैं तो आपको पता होगा कि अगर एक घंटे का हमें लॉग दिया हुआ है तो उसमें हमें सिर्फ 3 से 4 बार आना है, और वो भी मैक्सिमम 2 मिनट बोलना है, मैक्सिमम 2 मिनट बोलना है, वो भी अगर कोई इंटरव्यू हम चला रहे हैं, तो इस तरीके से 6 से 7 मिनट, 7 मिनट 8 मिनट हमारे हैं ऑन एयर, और लोगों को लगता है कि या तो बोलती रहती है घंटे भर। तो हमें बहुत सारी चीज़ें अपनी बातों में हटा के, इतनी सारी चीज़ें होती ना बोलने के लिए, उसमें से हमको फिल्टर आउट करना होता है कि हम सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं। तो इट्स नॉट वॉट यू टॉक अबाउट, इट्स हाउ यू टॉक अबाउट इट, एंड क्या नहीं बोलना है इज मोर रेडियो। ओके मैम। एंड मैम एक और क्वेश्चन मेरा कि मैंने आपका इंस्टा पेज देखा, मसाला तृप्ति, मसाला तृप्ति। ओके, तो मैम आप उस पे थोड़ा सा हॉरोस्कोप, थोड़ा सा लाइक राशियों के बारे में बात, ये अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट किया, लव एस्ट्रोलॉजी, अभी रिसेंटली हमारा वैलेंटाइन का कैंपेन, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या है इसके बारे में। ओके, हमारा अलग अलग कैंपेन्स चलते रहते हैं, एक्टिविटीज चलती रहती है, जैसे वैलेंटाइंस वीक के दौरान हम लव एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं कि जिनको ऐसा लग रहा है कि अब भैया और कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ सितारे ही साथ दे सकते हैं, ग्रह नक्षत्रों की बातें ही हमें हमारे सोलमेट से मिला सकती हैं,
तो उनका साथ देने के लिए हमने एक एक्सपर्ट बुलाए हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वो बता रहे हैं कि अगर आपका साइन ये है तो आपकी कंपैटिबल राशियां ये हैं, इन्हीं से जाकर भिड़ो और किसी से भिड़ने की जरूरत नहीं है, ये कलर पहनकर जाओ, यहाँ पर जा सकते हो, तो हो सकता है कि प्यार आपकी लाइफ में आ जाए, उसके बाद भी गारंटी नहीं है। तो ये हम बताने की कोशिश करें। कभी आपने अपने ट्राई किया है? नहीं, हमारा हो चुका है। हमारा हो चुका है, कोई बात नहीं। मैम, एज अ आरजे, कभी आपके लाइफ में कुछ इफेक्ट हुआ है आपको एज अ आरजे, करियर में या फिर लाइफ में कुछ आपको लगा हो कि नहीं यार? सी, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते रहते हैं और ये तो ऐसी क्रिएटिव फील्ड है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें लगती है। जैसे आई डोंट नो, आप लोगों ने सुना होगा इम्पोस्टर सिंड्रोम, वो तो खैर हर प्रोफेशन में होता है। होता क्या है कि जब आप इनिशियली किसी चीज़ में जाते हो तो आपको इनिशियल कुछ टाइम लगता रहेगा कि नहीं, यू आर नॉट मेड फॉर इट, यू आर नॉट कट आउट फॉर इट, और आपको लगता है नहीं नहीं, कहीं ये लोग ये ना समझ जाए कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, वो डर सब में आ जाता है। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम से भी होकर गुजरी हूँ मैं, मुझे बहुत बार ऐसा लगा कि नहीं, अब रेडियो जॉकिंग नहीं करनी है। जो अभी क्रिएटिविटी, क्रिएटिव ब्लॉक की बात की जा रही थी इससे पहले, वो मुझे आया है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। बहुत टाइम तक मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मैं एक्टिव नहीं रही क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता था क्या करना है। सो वो सारी चीज़ें रही, अप्स एंड डाउन सब में रहता है, एंड दैट इज़ द जर्नी। ओके मैम, और मैम एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर यूनिवर्स आपको चांस दे, मैं इवेंट अटेंड करी तो आपने कहा जर्नलिज्म भी आपको बनना, तो शायद झोला छाप आपने झोला छाप यस वहाँ पे श्वेता झा भी बैठी थी। नहीं तो वो झोला छाप नहीं है, शी इज एन एंकर। झोला छाप ओके, कुछ आप बड़ा करना चाहती थी? नहीं, झोला छाप से मेरा मतलब है अमोल पालेकर, याद है अमोल पालेकर? किसी को पता है? एक एक्टर हुआ करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा एज पुरानी बात कर रही हूँ। तो अमोल पालेकर एक एक्टर हुआ करते थे, वो एक खादी का कुर्ता पहनते थे, किसी भी मूवी में उठाकर देख लो, खादी का कुर्ता पहनते थे, खादी का झोला लेकर चलते थे, और पहले जो इमेज, जिस टाइम पे मैं पढ़ाई कर रही थी उस टाइम पे जो इमेज होती थी वैसे ही थी कि वो एक माइक लेकर निकलेगा और समाज को बदलने के लिए, और स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है, सारी चीजें हो रही है। तो मेरा मतलब वो था, झोला छाप को नेगेटिव कनोटेशन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। अगर यूनिवर्स आपको चांस देते जर्नलिज्म और आरजे छोड़ के कोई और दूसरा प्रोफेशन अगर आप चूज करती, एक्टिंग क्यों करती आप? एक्टिंग, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर रिपोर्टर होती तो भी मैं एक्ट कर रही होती, मैं अभी आरजे हूँ तो भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं एक्ट कर रही हूँ। एंड वो होता है ना मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो मैं अपने में मानती हूँ मल्टीपल पर्सनालिटीज इन ऑर्डर, क्योंकि मेरी अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं। मैं ऑन एयर कुछ और ही पर्सनालिटी हूँ, मैं रियल लाइफ में कुछ अलग ही पर्सनालिटी हूँ। जैसे कि मैंने कहा इंटरव्यू के दौरान भी, इससे पहले सेशन में, कि बहुत इंट्रोवर्टेड पर्सन हूँ मैं, नॉर्मली किसी से ओपन अप नहीं होती, मैं बात नहीं कर सकती सारे आरजेस की तरह जैसे। और अगर मैं इंस्टाग्राम पे हूँ तो मैं अलग पर्सनालिटी हूँ, मैंने थिएटर किया है, मैं स्टेज पर हूँ तो मैं अलग पर्सनालिटी हूँ। तो बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं मेरे में और मैं सबसे खुश हूँ। ओके, तो मेरे ख्याल से एक्टिंग इज़ द प्रोफेशन। आपके लाइफ की कोई ऐसी बात जो आपको अभी तक याद हो, यहाँ अभी आप बैठी हैं? बहुत सारी, अरे मेरे को बहुत सारी बातें आज कोई एक ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? रेडियो ने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आज का सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ रही है वो मैं बताना चाहूँगी। आज रेडियो डे है तो हमने अपने एक ऐसे गेस्ट को बुलाया रेडियो पर जो स्पेशल नीड्स किड हैं, ऑटिस्टिक हैं, लेकिन उनका रेडियो से प्यार इतना ज़्यादा है कि भले और कुछ वो समझ पाते हो ना पाते हो, कम्युनिकेट कर पाते हैं ना पाते हो, लेकिन ही इज़ ऑलमोस्ट 21-22, लेकिन सारे गाने उनको रटे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रेडियो सुनते हैं, और उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनके रेडियो को लेकर थोड़ा सा, उनके इस पैशन को लेकर थोड़ा उनको सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने रेडियो दिलवा रखे हैं और 3-4 बैकअप में रखे हुए हैं खरीद के। तो उनके घर में वो जो बहादुर वाला आता है, जो सेना में लोग यूज़ करते हैं, आर्मी लोग यूज़ करते हैं, वो वाला उनके पास ट्रांजिस्टर है और वो रखते हैं, और बहुत सारे उनके बैकअप में भी रखे हुए ताकि ये ख़राब हो जाए। तो ऐसे एक फ़ैन से मिलना, जो कि मेरा फ़ैन नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर आरजे का फ़ैन नहीं है, वो रेडियो का फ़ैन है, और उनको आज ऑफिस बुलाकर हमने रेडियो क्या होता है, कैसे वर्किंग होती है, कैसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, कैसे हम लोग लिंक्स करते हैं, लाइव करते हैं, वो सब दिखाया, एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी, एंड दैट मेड माई डे। ओके, जैसे कि आपको पता है आज रेडियो डे है, तो कुछ आज आरजे की तरफ बोल के थोड़ा हमारे दर्शकों का एंटरटेनमेंट कीजिए। ओके, जर्नलिस्ट में आई डोंट नो, अभी जब कैंप ही सुना रहे थे तब मैंने रियलाइज किया कि मैंने खुद ने एक लिखा हुआ था आज के लिए, रेडियो डे के लिए, बट वो कहीं और लिखा हुआ है, मेरे पास नहीं है, इस वजह से मैं उसको नहीं पढ़ पाई। बट उसी से मुझे आता है कि पता है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि रेडियो क्या है आपके लिए,
अब मैं कैसे बता दूं रेडियो क्या है? 104.8 रुश के एफएम पर मैं हूं तृप्ति, आपके साथ शो चल रहा है डेली 11 बजे से 2 बजे तक आपके साथ यहां पर रहने वाली हूं। लेकिन हां, ये जो एक बात कही जाती है कि रेडियो क्या है, ये हो सकता है आपके लिए एक फ्रीक्वेंसी का नंबर हो, माइक हो, फेडर हो, मिक्सर हो, ये सारी चीजें हो, टेक्निकल चीजें हो, लेकिन मेरे लिए ट्रैफिक की झिकझिक में किसी एक का साथ है रेडियो, बात है रेडियो, जज्बात है रेडियो। तो लिखा था मैंने, अभी तो पूरा मुझे याद नहीं, जो दो तीन लाइंस याद थी वो आप में मैंने सुना। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे हम चाहेंगे कि फिर आए हमारे साथ और हमारे दर्शकों को ऐसे कुछ ऐसी नॉलेजेबल बातें बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ और खबरों के लिए आप 24/7 नोएडा।